नमस्कार मित्रों, वीडियो में आपनु हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दशामाना व्रतना 10 दिवस पूर्ण थया छे। आज आखाई गुजरात भर में दशामानी मूर्तिनु विविध तळाव अने नदियों में विसर्जन करवामां आव्युं हतुं। परंतु मित्रों, तमे क्यारे विचार्युं छे के विसर्जित करायेली ते मूर्तिनु पछी शुं थतुं हशे, केवी हालत थती हशे? मित्रों, हाल में गुजराती मीडिया द्वारा विविध तळावो अने नदियोंना एवा फोटाओ सामे आव्या छे के ज्यां माँ दशामानी मूर्तिनु विसर्जन करवामां आव्युं हतुं। मित्रों, तमे ए फोटा जोई कहशो के शुं माँ दशामानी साची भक्ति आज छे। आ दृश्य जोई एवुं कहेवुं पड्युं के आपणी भक्ति आपणी श्रद्धा आटली ज छे के दशामानी 10 दिवस सुधी आ साचे मनथी भक्ति करी अने तेमनी छेल्ले आवी हालत थाय। हजी हमणां दशामानुं व्रत पूरुं थयुं छे ने परिवारना माथे आवनारी कोईपण दशाथी बचावा घरनी दरेक महिलाओ 10 दिवसनुं आ कठिन व्रत राख्युं हतुं। दशामानी कृपा बनी रहे ते माटे केवा भक्तिभाव अने लाडकोटथी माँनी पूजा अर्चना करी हती। माँ दशामाना चमत्कारनी कथा वातावरण सांभळी हती अने छेल्ला दिवसे तो डीजे अने ढोलना नगारना ताल पर नाचता कूदता नदी तळावमां तेमनुं विसर्जन करायुं हतुं। 10 दिवस सुधी माँ दशामानी कठिन भक्ति करी अने त्यारबाद नदी तळावना किनारे माँ दशामानी मूर्तिओनो ढगलो जोवा मळे, ए पण तूटेली फूटेली हालतमां। खरेखर मित्रों, आ जोईने आपणुं हृदय द्रવી ઉઠે છે। मित्रों, अमे तमने तमारी आस्थाने कोई ठेस पहोंचाड़वा मांगता नथी, परंतु अमे एक संदेश पहोंचाड़वा मांगीए छीए कि आवता वर्षे तमे ज्यारे पण माँ दशामानी मूर्ति लावो त्यारे तमे माटीमांथी ज बनेली मूर्ति लावशो, पीओपीनी बनेली मूर्ति लावशो नहीं। जो तमे माटीमांथी ज बनेली मूर्ति लावशो तो पर्यावरणनुं जतन थशे अने नदीमां माँ दशामानी मूर्तिनुं विसर्जन पण थशे, जेथी खरा अर्थमां दशामा तमारा प्रसन्न थशे, तमारी मनोकामना पूर्ण करशे। तो मित्रों, आजनो वीडियो अहीं समाप्त करीए छीए। वीडियो गम्यो होय तो लाइक करो, कमेंट करो, शेर करो अने अमारी चेनल में नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।